आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टिकी की को कैसे यूज करते हैं या फिर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में स्टिकी की को कैसे एक्टिवेट करते हैं। जनरली अगर हम अपने कीबोर्ड में F5 की को 5 टाइम प्रेस करेंगे तो इससे जो स्टिकी की होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। इस फीचर को इसलिए बनाया गया क्योंकि जब किसी ऑपरेटर के हैंड में या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो एक बार में 3 या 4 की को प्रेस करना थोड़ा सा टफ रहता है, तो उस टाइम पे हम इन कीज को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमें एक बार में सारी कीज को ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा। अगर हम एक की को ऑपरेट करेंगे और 2 कीज को ऑन कर देंगे तो हमें उस टाइम पे 3 कीज को या फिर 4 कीज को एक साथ प्रेस नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड में शिफ्ट को 5 टाइम प्रेस करके भी ऑन कर सकते हैं या फिर और आपको सर्च करना है स्टिकी की STICKY स्टिकी की और सबसे पहले रिजल्ट आ रहा है टर्न ऑन इजी एक्सेस की कंट्रोल पैनल पे, तो यहां पे आपको क्लिक करना है। यहां पे आपको दिखेगा टर्न ऑन माउस की, टर्न ऑन स्टिकी की, टर्न ऑन टॉगल की, टर्न ऑन फिल्टर की। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि स्टिकी की को कैसे ऑन करना है। तो यहां पे आपको क्लिक करना है राइट क्लिक और सेटअप स्टिकी की। यहां से आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आपकी जो स्टिकी की है वो ऑन हो उसके लिए आपको साउंड को ऑन करना है या ऑफ करना है, या फिर आप टास्क बार में चाहते हैं कि स्टिकी की का ऑप्शन आ जाए तो वो भी यहां पे आ जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है डिस्प्ले वार्निंग मैसेज व्हेन टर्निंग ए सेटिंग ऑन। तो इससे क्या होगा, इसको करने से आपकी जो विंडो में एक मैसेज आएगा कि आप स्टिकी की को ऑन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं जब आप शिफ्ट को 5 टाइम प्रेस करोगे। तो दूसरा है मेक ए साउंड व्हेन टर्निंग ए सेटिंग ऑन और ऑफ। अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो उस टाइम पे साउंड आएगा और लॉक मॉडिफायर की व्हेन प्रेस्ड ट्वाइस इन ए रो। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बेसिकली आपको टर्न ऑन स्टिकी की को प्रेस कर देना है, यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है और उसके बाद इसको अप्लाई कर देना है। जैसे मैंने अप्लाई किया इसको तो आपको टास्क बार में यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टिकी की का। यहाँ पे आपको 4 बॉक्स बने हुए मिलेंगे। जो सबसे ऊपर वाला बॉक्स है वो होता है शिफ्ट के लिए। ये तो यहाँ पे एक मैसेज साउंड हो रहा है और जब मैं ये यहाँ पे ऑन हो गई और कंट्रोल के लिए सबसे किनारे वाली कंट्रोल के लिए और जो विंडो के लिए है मिडल वाली विंडो के लिए और जो साइड वाली है अल्ट के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।